वेलकम टू गाइस यूनिक वाईजे चैनल। आज आप सीखने वाले हैं बालों को खड़ा और कर्ली कैसे करें। सीखे बालों को खड़ा और कर्ली करने सीखे इस वीडियो के माध्यम से। आज हम आपको बालों को खड़ा और कर्ली कैसे करें ये सिखाने वाले हैं। तो आगे के बाल और पीछे के बाल कंघी से अच्छे प्रेस कर लेने। कंघी के प्रेस करने के बाद उस पर अच्छा सा क्रीम अप्लाई करना है। कंघी को कर करके क्रीम अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद पार्टीशन पार्ट लीजिएगा, दोनों साइड से अच्छी तरह से पार्टीशन कर लीजिएगा, पीछे के साइड से भी पार्टीशन कर लीजिएगा। उसके बाद पार्टीशन करने के बाद पीछे से और एक पार्टीशन करके बालों का गुच्छा पकड़ के उसको क्लिप से अप्लाई कर देने का। क्लिप गोल गोल घुमा के उसे खड़ा कर दीजिएगा। खड़ा करने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। उसके बाद इस तरह से खड़ा करिएगा। दूसरे देखिए एक क्लिप लगाने का प्रोसीजर कैसा होता है, अच्छी तरह से देख लीजिएगा, उसके बाद आप भी सीख जाओगे। देखिए ये तीसरी क्लिप लगाने है, तो आप भी अच्छी तरह से देखकर सीख जाएगा। उसके बाद पीछे के साइड से ऐसा कर करके पूरे आगे और पीछे के सब बालों को क्लिप लगाकर खड़ा कर दीजिएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम थोड़ी देर बाद बताने वाले हैं। ये हो गया आपका पूरा बालों को खड़ा करके क्लिप लगाने का प्रोसीजर। उसके बाद अच्छे से देख लो कोई क्लिप खड़ी है या नहीं है। ये देखिए ये हो गया, उसको टाइम लगाकर सेट कर दीजिएगा। इतने टाइम रख कर उसके बाद एक क्लिप निकाल कर देखिएगा, बाल कर्ली और खड़े हो जाएंगे। उसके बाद उस पर कंडीशनर अच्छे तरह से अप्लाई करने का। कंडीशनर से बाल क्लिप निकालने को अच्छा हो सकता है। क्लिप निकालने के बाद कैंची से उसे थोड़ा थोड़ा कट कर लीजिएगा। फिंगर कट करके आगे के बालों को भी थोड़ा थोड़ा कट कर लीजिएगा। उसके बाद ड्रायर लगाकर नीचे के बाल ट्रिमर से कट करके अच्छी तरह से कट कर लीजिएगा। उसके बाद कट करने के बाद लाइन कटर से आईब्रो कट कर लीजिएगा। कली सेट कर लीजिएगा। कली सेट करने के बाद पीछे की साइड भी अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद उसे ट्रिमर चलाएगा। उसके बाद लाइन कटर से लाइन एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। उसके बाद रेजर से उसे परफेक्ट लाइन में परफेक्ट शेप में लाइएगा। परफेक्ट शेप में लाने के बाद ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद ड्रायर से बालों को सुखा लीजिएगा। उसके बाद उस पर जेल या वैक्स अप्लाई करके इस तरह से बालों को सेट करिएगा। ये आपके सामने खड़े और कर्ली बाल आपके सामने तैयार होकर अच्छे दिखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।